नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। इस वीडियो के माध्यम से मैं सेशन 2023-24 के जो आपकी सीएलसी नए बैचेज नए कोर्सेज स्टार्ट करने जा रही है उनकी डेट्स के बारे में, उनकी थोड़ी विस्तृत जानकारी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं आपके अपने सीएलसी नीट जेई और एनडीए की तैयारी करवाता है। तीन प्रकार के कोर्सेज होते हैं, 12वीं के बाद हम टारगेट कोर्स कहते हैं, 11, 12 को फाउंडेशन कोर्स कहते हैं और 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग प्री फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट कोर्स, तीन टाइटल के नाम पे हम लोग यहाँ कोर्सेज चलाते हैं। अब एक एक कोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले टारगेट कोर्स क्या है। जो बच्चा अभी सेशन 2023 में 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, वो जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो जाएगा, जो साल भर के लिए कोचिंग तैयारी करने आता है नीट की, जेई की या एनडीए की, उसका पहला बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2023 से। जेई नीट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, एनडीए केवल इंग्लिश मीडियम में है। एक बात क्लियर होगी डियर, आगे चले। यदि बच्चा 10th का एग्जाम दे रहा है तो हमारे पास 11th 12th 2 साल के लिए आएगा। मार्च अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो सीएलसी अपना पहला बैच 6 अप्रैल 2023 और दूसरा बैच 20 अप्रैल 2023 को स्टार्ट करने जा रहा है। उसके बाद हर 2 वीक पे दोस्तों नए बैचेज बनेंगे, सूचना आपके पास समय समय पे आती रहेगी। क्लियर। अब एक बच्चा ऐसा है जो इस साल 11th का एग्जाम दे रहा है, अब उसको यह समझ में आया कि यार 11th में कहीं स्कूल या कहीं अटक गया मेरी भाषा में, लेकिन वहां मेरे को वो आनंद नहीं आया, वो मेरे को कंटेंट्स नहीं मिले जो नीट और जेई को क्रैक कर सके। क्योंकि उस बच्चे को यह समझ में आ गया कि भाई नीट और जेई में 50% 11th आता, 50% 12th आता, 11th मेरा कमजोर हो गया। तो लास्ट ईयर सीएलसी ने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए एक 2-in-1 का बैच स्टार्ट किया, सफलतापूर्वक हमें 2-in-1 का बैच चला चुके। क्या है 2-in-1? जो बेटा बेटी इस साल 11th के एग्जाम दे चुका है, दे रहा है, उसको अभी 9 फरवरी 2023 से एक बैच 20 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 से 2-in-1 के नाम पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां 11th और 12th आपको दोनों पढ़ाए जाएंगे एक फीस में। हाथ बात सुनना, फीस एक सेशन की रहेगी, 11th 12th का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, उसका नाम है 2-in-1। क्लियर। तो जो बच्चा अभी 10 दे रहा है वो 11th फाउंडेशन में आएगा, जो भी 11th दे रहा है वो 2-in-1 में आएगा। हाँ, यदि आप केवल 12th का बैच ज्वाइन करना चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आप टारगेट कोर्स के लिए आए। एक बात यहां और खड़ी हो जाती है कि सर रिपीटर्स के बैच कब बनेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूं, 6 अप्रैल का जो बैच है वो फ्रेशर्स का बैच है। 7 मई को जैसे नीट की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं, मार्जिन केस के होते हैं, उनके अलग अलग बैच चलते रहते हैं। 4 टाइटल के बैच हम लोग चलाते हैं, फ्रेशर्स का बैच, रिपीटर का बैच, रैंक अचीवर का बैच और रैंक अचीवर प्लस का बैच। ये सारे बच्चे वो होते हैं जो 12वीं पास कर चुके होते हैं। कोई फ्रेशर होता है, कोई कॉमन रिपीटर होता है, कोई रिपीटर मार्जिन केस का होता है, कोई रिपीटर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए होता है। इस प्रकार के सारे बैचेस अगली डेट आपके पास आती रहेंगी। अब बात आती है प्री फाउंडेशन। तो सबसे पहले तो प्री फाउंडेशन की महत्ता क्या है, तो गार्जियंस जमाना बदल गया है, आजकल बच्चे 6th क्लास से भैया नीट जेई या एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री फाउंडेशन 6, 7, 8, 9, 10। उसका पहला फेज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9 फरवरी 2023 से, अगला 20 मार्च 2023, 6 अप्रैल 2023। यहां फिर बात आती है 10th में जब बच्चा ये होता है तो ये एग्जाम देता है एसटीसी की, ओलंपियाड्स की, जिनमें 9, 10 दोनों कोर्स पूरा आता है। फिर एक बात आएगी कि श्रवण सर हम तो 9th स्कूल से पढ़ के आगे या ऐसी कोचिंग पढ़े जहां तैयारी नहीं हुई तो हमारे 9th का क्या होगा। तो 9th 10th के बच्चे का भी दोस्तों हम 2-in-1 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वहां भी 9th और 10th हम दोनों कोर्स एक साल में कराएंगे। 9 फरवरी को बैच है, 20 मार्च को बैच है, 6 अप्रैल को बैच है। हाँ, प्री फाउंडेशन जो है वो प्योरली इंग्लिश मीडियम में होता है। ये सारे कोर्सेज हो गए। अब बात आती है फीस क्या होती है, तो फीस मैं इस वीडियो के माध्यम से ना बताते हुए एक लिंक दे रहा हूं, clcparivar.in, ये मेरी वेबसाइट है, वहां टोटल फीस दे रखी है, स्कॉलरशिप दे रखी है। 2 प्रकार के हम देते हैं स्कॉलरशिप, एक हमारा टेक्नो एग्जाम हुआ था, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है उसकी स्कॉलरशिप है, और दोस्तों एक स्कॉलरशिप बोर्ड के परसेंटेज बेस की है, कितनी है लिस्ट आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, एक हम लोग हर फीस, जो भी हमारी फीस है 1,05,000 फीस है, उसमें 8,000 रुपए उस बच्चे को छूट दी जाएगी जिसके फादर आर्मी में है, पुलिस में है। मेरे गांव की भाषा में कहूं कि जो बेल्ट की नौकरी करते हैं वो किसी प्रकार की जो वो, उन सभी बच्चों को जो भी आपकी फीस है उसमें 8,000 का एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। ये बात होगी स्कॉलरशिप की। और स्कॉलरशिप तो हमें कॉमन बात करें दोस्तों, सीएलसी में जरूरतमंद प्रतिभाओं के लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, आगे भी खुले रहेंगे।
गुदड़ी के लाल झोपड़ी बैठी खोपड़ियां जो हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए हमने कभी भी हमारे गेट पे आने के बाद उनको मना नहीं किया। ऐसे बच्चों के लिए संस्था तैयार थी, आगे भी तैयार रहेगी। ये बात होगी दोस्तों कोचिंग की। अब आपकी सीएलसी कहां कहां क्लासेस चलाता है, तो सीकर चलाता है, अलवर और जयपुर भी हम वापस हमारी ब्रांच रीओपन कर रहे हैं। कोरोना से पहले ब्रांच चल रही थी, कोरोना के कारण वहां उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो ये सारे कोर्सेज सीकर, अलवर और जयपुर में चल रहे हैं। हाँ, एनडीए केवल सीकर में है। अब स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आपकी सीएलसी सीकर में शहर को एक नया तोहफा, शहर में एक नया सूर्य उदय करने जा रहा है एजुकेशन में। उसका नाम है सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल सीआईएस, जो प्री प्राइमरी से लेके 12th तक सीबीएसई का एक शानदार कैंपस, अल्टीमेट टीचिंग फैकल्टी, शानदार मैनेजमेंट। मेरा छोटा बेटा समर जो स्पेन से एमबीए करके मेरे साथ आया है, उसके नेतृत्व में पूरा स्कूल काम करेगा, जिसके एडमिशन का प्रोसेस 26 जनवरी, हाँ इन सभी कोर्सेज के एडमिशन जो है वो 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी 26 जनवरी 2023 के बाद कभी भी आप आके एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो वापस मैं स्कूल पे आता हूँ, सीआईएस पे, सीआईएस बीकानेर बाईपास पे 40 बीघा में एक शानदार कैंपस में, बिल्कुल वहां एकेडमिक भी होगा, वहां स्पोर्ट्स भी होगा, वहां एक कंप्लीट स्कूल में जो बच्चे को चाहिए सर्वांगीण विकास की जो बात है वो हम लोग वहां देने जा रहे हैं। उसके बाद एक स्कूल आप जानते हैं सीएलसी कैंपस के पास ही हमारा स्थान बोर्ड का है, केवीएम के नाम पे, कृष्णा विद्या मंदिर के नाम पे। बात का सार ही है डियर, प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई एनडीए तक राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन टारगेट है। किसी प्रकार के कोर्सेज के एडमिशन के लिए आप 26 जनवरी 2023 के बाद कभी भी सीएलसी आके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फीस की कोई बात, सबकी फीस की डिटेल सीएलसी परिवार .in पे आपको सीएलसी से मिल जाएगा। सीआईएस की हमारी वेबसाइट है, वहां सीआईएस का मिल जाएगा। केवीएम की हमारी वेबसाइट है, वहां आपको केवीएम का मिल जाएगा। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर देख ले आप, एक मैं स्लाइड दिखा रहा हूं आपको, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पे जिस सेक्शन में आपको एडमिशन लेना है वहां के इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके और अपने प्रश्नों का उत्तर आप वहां ले सकते हैं। मैं संस्था प्रधान होने के नाते पिछले 27 साल के विराट एक्सपीरियंस, उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ और एक बहुत प्यारी टीम के साथ, मेरे दोनों बेटे साहिल और सबर के आने के बाद आप सब जानते हैं सीएलसी मल्टी डायमेंशन बढ़ रहा है। एक शानदार टीम हमारे साथ हमेशा थी, अब और एक अच्छी टीम हमारे साथ काम कर रही है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों कि हमारा जीवन का लक्ष्य शिक्षा है, एजुकेशन है, वो ही रहेगा। सीएलसी जीतना भी सिखाती है, सीएलसी जीना भी सिखाती है। तो गार्जियंस, अभिभावक, आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप सीकर में जब भी आए, आप सीएलसी कैंपस को में स्कूल के लिए, सीबीएसई के लिए, आरबीएसई के लिए, कोचिंग के लिए, और जयपुर और अलवर जहां आपको सुटेबल लगे, जयपुर, अलवर, सीकर आप एडमिशन ले। हर जगह संस्था की जिम्मेदारी, वहां की सुविधाओं की जिम्मेदारी मेरी है। व्यक्तिगत मैं बिल्कुल आपको श्योर करता हूं एक अच्छी एजुकेशन हम आपको देंगे, जो 27 साल देते आए हैं। और दोस्तों 26 जनवरी 2023 से नेक्स्ट सेशन के एडमिशन स्टार्ट है। आप उसके बाद कभी भी आके अपने एडमिशन के प्रोसेस को पूरा करके अपने बच्चे के सपनों को बड़ा करें और आओ सब उनको मिलकर पूरा करें। नमस्कार, जय सीएलसी।